hello everyone welcome you all in online teaching learning classes myself ms. renali dongre professor in civil engineering department nit polytechnic college nagpur in today's session i am going to deliver lecture on topic 2.5 organization pattern of solid waste management now the learning outcome first of all course outcome execute the relevant method of collection and transportation of solid waste program outcome is that po1 po4 po5 po6 and po7 now the unit outcome after completion of this video lecture student will able to propose the organization chart required to manage solid waste for the given village town city of your locality now the vision of the program to impart excellent civil engineering skill to develop employable civil diploma engineers mission of the department m1 imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability M2 to develop social and environmental responsible civil engineers M3 effective implementation of teaching learning process to benefit student now we will discuss about organization pattern of solid waste management हम देखेंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कैसा कैसा ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न होता है ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न आर स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप यूजुअली इन अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न जो है ये एक स्ट्रक्चर है रिलेशनशिप का यूजुअली इन अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प ये एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल और वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने के लिए उसके गोल को अचीव करने के लिए इट इज़ नेसेसरी दैट द लोकल बॉडी टेक एडिक्वेट मेजर फॉर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग थ्रू इंडक्शन ऑफ द प्रोफेशनल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिलीगेशन ऑफ़ पावर अब जो लोकल बॉडी है वो इम्पॉर्टेंट जो मेजर्स लेती है ताकि वो स्ट्रेंथनिंग मतलब इंस्टीट्यूशनल को स्ट्रेंथनिंग मिले थ्रू प्रोफेशनल के थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू और डिलीगेशन ऑफ पावर के थ्रू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एंड एन जी ओ पार्टिसिपेशन फॉर रियलाइजिंग द गोल ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अब अगर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना है तो प्राइवेट सेक्टर और एन जी ओ पार्टिसिपेट करते हैं फॉर द रियलाइजिंग द गोल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए और सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज करना है उसके गोल को अचीव करने के लिए नाउ द फ्लो चार्ट यू हैव टू सी द फ्लो चार्ट दैट इज ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न ऑफ मुंसिपल सॉलिड वेस्ट पहला फर्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेकेंड है डिलीगेशन ऑफ पावर और थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप हम वन बाय वन देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है डेलीगेशन ऑफ पावर क्या है और ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप क्या है ओके नाउ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन अ लार्ज सिटीज द एसडब्ल्यू एम सर्विसेज कैन बी परफॉर्म इफेक्टिवली ओनली

वन एट दी वार्ड ले डिसेंट्रलाइजेशन क्या है डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स का वन एट वार्ड लेवल का भी वो देखेगा मैनेजमेंट की कैसा है सेकेंड एट जोन लेवल एंड थर्ड एट सिटी लेवल ठीक है फर्स्ट क्या है वार्ड लेवल सेकेंड क्या है जोन लेवल और थर्ड सिटी लेवल इतने तीनों वार्ड लेवल हो गया जोन लेवल हो गया और सिटी लेवल को सॉलिड वेस्ट के लिए कैसे मैनेजमेंट करना है ये सब इसमें देखा जाता है द एस डब्ल्यू एम फंक्शंस वुड गेट फोकस्ड अटेंशन जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो फंक्शन है वो ज़्यादातर फोकस अटेंशन कहाँ देता है फंक्शन ऑफ द सिटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन आर डिसेंट्रलाइज मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए जैसे कि वार्ड लेवल के लिए अलग जोन लेवल के लिए अलग सिटी लेवल के लिए अलग अब इसमें क्या है कि वार्ड लेवल का पर्टिकुलर वार्ड में जो एक एडमिनिस्ट्रेशन है ठीक है वो उसका पूरा मैनेजमेंट देखेगा सिटी लेवल के लिए अलग होगा जोन लेवल के लिए अलग होगा ठीक है तो डिसेंट्रलाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड अचीव देयर गोल्स प्लेस इन चार्ज ऑफ ई जोन डिविजन फंक्शन इंडिपेंडेंटली विथ एडिकेट डिलीगेटेड पावर ठीक है जो भी प्लेस्ड चार्ज जो भी वो पर्टिकुलर जोन लेवल का डिविजन लेवल का जो भी इंचार्ज है उसमें पावर है उसमें डेलीगेशन ऑफ पावर है वो इंडिपेंडेंटली कुछ भी ऑर्डर दे सकता है कि ये पर्टिकुलर एरिया का इस तरीके से मैनेजमेंट करना है सॉलिड वेस्ट को इस तरीके से मैनेज करेंगे ठीक है ये सब तो उसमें एक पावर रहेगा जो भी वहाँ का मेन इंचार्ज है अगर सपोज़ वार्ड लेवल का इंचार्ज है तो उसमें वो पावर है कि वार्ड लेवल के सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए उसे क्या क्या प्रिकॉशन्स क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ेंगे और क्या क्या अपने सब ऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देना पड़ेगा ठीक है मैनेज करने के लिए तो उसमें वो पावर रहता है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है डिलीगेशन ऑफ़ पावर अब हम देखेंगे डिलीगेशन ऑफ़ पावर क्या होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड ठीक है देन फॉर फिक्सिंग अकाउंटबिलिटी देअर शुड बी एडिकेट डिलीगेशन ऑफ दिसप्लिनरी पावर टू द ऑफिसर्स ठीक है अब जो भी वहाँ पे ऑफिसर्स मीन इंचार्ज जो रहेंगे उनमें वो पावर है ठीक है एंड सुपरवाइजरी स्टाफ रिस्पांसिबल फॉर मैनेजिंग सॉलिड वेस्ट और सुपरवाइजरी जो भी स्टाफ है वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए एंड कैरिंग आउट ऑल डे टू डे फंक्शन स्मूथली अब ये जो सब ऑर्डिनेट्स है मेन इंचार्ज तो ऑर्डर देगा बट जो भी सब ऑर्डिनेट्स है जिनको मैनेज करना है उनका काम क्या रहेगा डे बाय डे मतलब हर दिन उनको क्या करना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट बराबर हो रहा है या नहीं सॉलिड वेस्ट को गोल अचीव हो रहा है या नहीं

सुपरवाइजरी स्टाफ जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है वो सबॉर्डिनेट्स को भी पनिश कर सकता है और सुपरवाइजरी स्टाफ को भी पनिश कर सकता है अगर काम बराबर नहीं हुआ तो एडिकेट इन बिल्ट चेक्स मे भी इंट्रोड्यूस टू इंश्योर दैट द डिलीगेटेड पावर्स आर नॉट मिस ठीक है एडिकेड इन अ बिल्ट चेक्स चेक्स किए जाते हैं ठीक है ताकि कोई डिलीगेटेड पावर अगर उनके उनको अथॉरिटी उनको पावर है तो वो मिसयूज ना करें इस तरीके से चेक्स भी किए जाते हैं अब हम लोग थर्ड देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप टाउन बिलो वन लैक पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप किस तरीके से किया जाता है तो वन लैख पॉपुलेशन सिटीज बिटवीन वन तो टू टू लैख पॉपुलेशन के लिए मतलब मैनेज करने के लिए सॉलिड वेस्ट को सिटीज़ हैविंग अ पॉपुलेशन बिटवीन टू टू फाइव लैक्स सिटीज़ हैविंग पॉपुलेशन बिटवीन फाइव टू ट्वेंटी लैक्स सिटीज़ हैविंग पॉपुलेशन बिटवीन ट्वेंटी टू फिफ्टी लैक्स सिटीज़ हैविंग पॉपुलेशन अबाउ फिफ्टी लैक्स ये पूरा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है जो कि पॉपुलेशन के थ्रू मतलब वो हैंड इन हैंड इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ठीक है नाउ द सम्भरी ऑफ दिस टॉपिक इज़ दैट ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमने देखा फ्लो चार्ट में सबसे मेन है तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन देन डिलीगेशन ऑफ़ पावर और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हमने देखा कि उसमें कितनी पॉपुलेशन के हिसाब से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है सब ऑर्डिनेट्स को और सब ऑर्डिनेट्स को हो गया या फिर सुपरवाइजरी स्टाफ को Okay, now these are the MSBT questions. First, draw the organization pattern of solid waste management. Explain decentralization of administration. Third, explain delegation of power. Four, state the organization setup. Thank you.